स्थापित कर उलेमाओं के निशाने पर आई अलीगढ़ की रूबी आसिफ खान फिर चर्चा में आ गई है। इस बार उन्होंने शारदीय नवरात्रि पर अपने घर में मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया है और पूरे 9 दिन तक नवरात्रि के व्रत भी रख रही हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं। उनके घर पर पोस्टर लगा दिए गए हैं जिनमें लिखा है कि रूबी काफिर हो गई है, ये पूजा कर रही है, इसलिए उसे परिवार समेत इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई है। फिलहाल इस मामले में रूबी ने शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की है। रूबी खान ने जानकारी देते हुए बताया कि वो बचपन से ही हिंदू त्योहारों को पूरी आस्था और धूमधाम से मनाती है और उन्होंने दीपावली पर भी महालक्ष्मी का पूजन करने की बात कही है। मूर्ति की स्थापना की है 9 दिनों के लिए और मेरे मन में बहुत मतलब मन से शुरू से ही आस्था है पूजा अर्चना की। मैं सभी तरह के त्यौहार मनाती आई हूँ और मुझे अच्छा लगता है, कोई भेदभाव ना रहे किसी के भी बीच, हिंदू मुस्लिम सब एक से रहें। मैंने माता रानी से यही प्रार्थना की है कि इस देश में चैन सुकून अमन शांति इसी तरह रहे, सारे भेदभाव ख़त्म हो जाएँ। और मैं ऊपर वाले से अल्लाह ताला से भी यही दुआ करूंगी कि भेदभाव खत्म हो जाए और ऐसे